नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राज्य में म्यूटेशन की रफ्तार में तेजी लाने को मिला निर्देश। आज से बैंकों में बदले जा रहे 2000 के नोट। चौथे कृषि रोड मैप के लिए बना एक्शन प्लान। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार तीसरे नंबर पर। क्वालिफायर एक में जीटी के इस खिलाड़ी को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने की बड़ी भविष्यवाणी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से बैंकों में बदले जा रहे 2000 के नोट। आरबीआई के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद आज से यानी कि 23 मई से बैंकों में 2000 रुपए के नोट को बदलने की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। ऐसे में अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं, तो उसे आज से बैंकों में बदलवा सकेंगे। मालूम हो कि इस बार नोट बदलने के लिए पिछली बार की तरह किसी तरह की फॉर्म भरने और पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार लोगों को नोट बदलवाने में SBI की ओर से बड़ी राहत दे दी गई है। और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना किसी पहचान पत्र और बिना किसी फॉर्म को भरे भी एक बार में RBI की गाइडलाइन के मुताबिक 2000 के नोट के 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए तक को बदलाया जा सकता है। वही बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें नोट बदलवाने के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चौथे कृषि रोड मैप के लिए बना एक्शन प्लान। बीते दिन सोमवार को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में चौथे कृषि रोड मैप को लागू करने के लिए बिहार सरकार के कृषि सलाहकार डॉक्टर मंगला राय की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई। बता दें कि इस विचार गोष्ठी के पहले दिन जीन एडिटिंग और जीनोमिक्स ब्रीडिंग के जरिए फसलों में सुधार लाने जैसी महत्वपूर्ण रूपरेखा को तैयार किया गया और मानसून से पहले शुरू होने वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। इसके साथ ही बीते दिन हुए इस विचार गोष्ठी में फसल विविधीकरण और टिकाऊ गहनता को लागू करने के लिए नवीन बीज प्रणालियों के डिजाइन पर चर्चा की गई, और साथ ही चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभिन्न घटकों के लिए कृषि अनुसंधान और तकनीकी विकास कार्य के लिए भी योजना बनाई गई। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार तीसरे नंबर पर। बिहार सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं जल संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्तम कार्यों एवं प्रयासों को देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बिहार को नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रखा गया है। बता दें कि इस बार देश के जिस राज्य को नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में पहले स्थान मिला है, वह मध्य प्रदेश है। वहीं दूसरा स्थान ओडिशा को प्राप्त हुआ है, जबकि तीसरे स्थान पर बिहार के साथ आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुरस्कार की घोषणा की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। वहीं बिहार को तीसरा स्थान मिलने पर जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा कहा गया कि जल जीवन हरियाली अभियान को संयुक्त राष्ट्र से भी सराहा गया है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि 7 निश्चय में 2 अघोषित अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है। बिहार में 7,500 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बहुत जल्दी राज्य में कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 कक्षाओं तक में पढ़ने वाले 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए करीब 7,500 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि इसके लिए बहुत जल्दी शिक्षा विभाग के द्वारा TET और STET परीक्षा कराई जानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इन बच्चों के लिए जिन भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, उन्हें पात्रता परीक्षा से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब विशेष रूप से ट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, इसलिए शिक्षा विभाग के द्वारा TET और STET परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1990 से पहले कुछ विशेष स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करवाई गई थी। राज्य में म्यूटेशन की रफ्तार में तेजी लाने को मिले निर्देश। बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के द्वारा शास्त्री नगर के सर्वे सभागार में आयोजित अपर समाहर्ता की राज्य स्तरीय बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य में वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 21,557 है, जिन्हें अभियान बसेरा के तहत भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। बता दें कि बीते दिन हुए इस बैठक में राज्य के वासहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए सभी अपर समाहर्ताओं को अगले 15 दिनों में जिलावार सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा दाखिल खारिज के लंबित मामलों को भी विस्तार से जिलावार तरीके से समीक्षा की, और साथ ही सभी अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि लंबित मामलों की संख्या में कमी आए, इसलिए अपने जिलों के अंचलों की जमकर साप्ताहिक बैठक आयोजित करवाए और 30 जून तक लंबित मामलों की संख्या शून्य कर दे। बिहार के मौसम का बदला मिजाज। राजधानी में दिन में ही छाया अंधेरा। राज्य के अधिकांश जिलों में आज का मौसम बेहद ही सुहावना हो गया है। हालांकि एक तरफ जहां बिहार की राजधानी पटना में सुबह से ही घने बादल छाए रहे, तो वहीं दूसरी ओर कई जिलों में तेज आंधी और झमाझम बारिश भी हुई, जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी से काफी राहत मिली है। मालूम हो कि मौसम विभाग के द्वारा 23 मई यानी कि आज से 26 मई तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, और साथ ही अनेक स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का भी अनुमान है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। राज्य के बस इस अस्पताल में लगेगी येलो फीवर वैक्सीन।
वे सभी बच्चे जो 9 माह के होते हैं उन्हें येलो फीवर का टीका लगाया जाता है ताकि उन्हें आगे चलकर इस रोग से बचाया जा सके। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के द्वारा पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जनों को जिले में येलो फीवर टीकाकरण से संबंधित अनधिकृत केंद्र को संचालन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि येलो फीवर का वैक्सीन पूरे राज्य में केवल बिहार की राजधानी पटना में स्थित एम्स में ही दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है, लेकिन यह मच्छर दिन में काटता है और संक्रमित करता है। वहीं इस बीमारी के लक्षण तत्काल नहीं दिखाई देते। बता दें कि इस बीमारी में धीरे धीरे अचानक बुखार आना, सिर और पीठ में तेज दर्द, उल्टी आना, थकावट का एहसास होना जैसे लक्षण शामिल है। मालूम हो कि इस बीमारी के लिए कोई दवा नहीं होती। इस बीमारी के दौरान मरीज को ज्यादा से ज्यादा आराम और पानी व तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। वहीं सिर और पीठ दर्द के लिए चिकित्सक के परामर्श लेकर दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में नहीं बदले जाएंगे 2000 के नोट। आज से RBI के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन ऐसे में बीते दिन वित्त विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि डाकघर में 2000 रुपए के नोट नहीं बदले जाएंगे। हाँ, लेकिन डाकघर के खाता धारक अपने खाते में 2000 रुपए के नोट जमा जरूर करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए डाकघर के खाता धारक को KYC अपडेट होना अनिवार्य है। मालूम हो कि डाकघर में 2000 रुपए के नोट करने को लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई है, यानी कि आप डाकघर में अपने अनुसार 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर आपका वह 2000 का नोट नकली निकलता है तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ना सिर्फ नोट को जब्त किया जाएगा बल्कि आपसे पूछताछ भी की जाएगी। ऐसे में अगर आप डाकघर में नोट जमा कराने जाते हैं तो एक बार नोट की जाँच जरूर कर लें। योजना की राशि खर्च नहीं कर पाया अल्पसंख्यक विभाग। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई योजनाओं का दावा किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर CAG के द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड की योजनाओं को लेकर किए गए ऑडिट में यह खुलासा किया गया है कि RTI के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड के द्वारा योजनाओं की राशि खर्च नहीं की जा रही है। बता दें कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड के द्वारा योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि में केवल 40% राशि ही खर्च की जा रही है, वहीं बाकी बचे राशि लगभग 60% रिटर्न हो जा रहे हैं, जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। मालूम हो कि इसको लेकर अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान का कहना है कि बैठक कर इस समस्या को सुलझाया जाएगा और जो भी त्रुटियां हैं उसे दूर किया जाएगा। समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी की पत्नी बिमला देवी का निधन। बीते दिन सोमवार को वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी की पत्नी बिमला देवी का निधन हो गया। वहीं आज उनके अंतिम संस्कार किए गए। वहीं उनके पार्थिव शरीर पर लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं के द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। बता दें कि बिमला देवी पिछले 15 मई को पारस अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराई गई थी। बता दें कि उनके निधन की खबर खुद उनके पति शिवानंद तिवारी के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए दी गई है। उन्होंने कहा कि बिमला मेरी जीवन संगनी ने मेरा साथ छोड़ दिया। 13 मई 1965 को हमारी शादी हुई थी। बता दें कि विमला देवी के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व CM राबड़ी देवी, जदयू अध्यक्ष ललन सिंह समेत कांग्रेस नेताओं के द्वारा भी शोक व्यक्त किया गया है। CM नीतीश ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व सांसद श्री शिवानंद तिवारी जी की धर्मपत्नी विमला देवी जी का निधन दुखद। वे एक धर्मपरायण महिला थी। दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। सम्राट चौधरी पर बरसे उमेश कुशवाहा। BJP प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को लेकर JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा बयान देते हुए कहा गया है कि वे मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए मैं BJP आला कमान से कहूंगा कि पहले इन्हें कांके पागलखाने में भर्ती कराया जाए, उसके बाद इन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए। वहीं 2000 रुपए के नोट पर अपना बयान देते हुए कहा कि यह BJP की एक साजिश है। वे पैसा जमा कर पूंजीपतियों को देने की साजिश कर रहे हैं ताकि 2024 में उस पैसे को खर्च किया जा सके। उन्होंने कहा कि BJP का अब जो भी जनाधार बचा हुआ है वह भी धीरे धीरे खिसक रहा है। 2024 चुनाव के कारण वह हताश में है और बेचैन है। यही कारण है कि हर समय उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। दिल्ली से पटना लौटे CM नीतीश। आज यानी कि 23 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। बता दें कि बीते 2 दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने विपक्षी एकता की मुहिम को धार देने की पूरी कोशिश की गई। मालूम हो कि अपने दिल्ली दौरे के पहले दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वहीं दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की, जहां विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम पर बातचीत की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CM नीतीश दिल्ली बेंगलुरु में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद पहुंचे थे। क्वालिफायर 1 में GT के इस खिलाड़ी को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने की बड़ी भविष्यवाणी।
आज यानी कि 23 मई को आईपीएल 2023 का पहला क्वालिफायर मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे से एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेलने उतरेगी। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग के द्वारा गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी रशीद खान को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा कि रशीद खान गुजरात टाइटंस के ट्रंप कार्ड है। जब भी गुजरात टीम को विकेट की तलाश होती है तो राशिद खान विकेट ले लेते हैं। हार्दिक ने जिस तरह से राशिद खान से सही समय पर ओवर्स कराए वो वाकई काबिले तारीफ है। राशिद खान विरोधी टीम के बल्लेबाजों की साझेदारी तोड़ने में माहिर है और वह इस सीजन के सबसे सफल दूसरे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस कर हर किसी को प्रभावित किया है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है जहाँ पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन मदर पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने मदर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, अनु गोलू कुमार, अनवर करीम खान, कुश कुमार यादव, मोटू रंगीला, के सिन्हा, अमित कुमार, बाबूलाल मरांडी, पीके पासवान, शंकर मुखिया, कन्हैया कुमार, देव देवानंद देव, नौशद अंसारी, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है देश में 2000 के नोट बंद होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।